सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चारण वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतो साधु मंडली मंडनो जयति सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघधारा सारानजश्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव सदा चरणारविन्दम् गोविंद जीवनधनम् शिरसा वहामि शिरसा वहामि शिरसा वहामि श्री राधा वल्लभ लाल की जय महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जू महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री यमुना रस रानी की जय श्री वृंदावन रज रानी की जय समस्त संत भक्तन की जय धन धन राधा ना प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरि वंश दुलारी जय वृंदावन धाम जय जय श्री हरि वंश दुलारी जय वृंदावन धाम हर हर राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरि वंश दुलारी जय वृंदावन धाम ओ धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम धन धन राधा ना प्यारो सुंदर श्याम धन धन राधा ना प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरि वंश दुलारी जय वृंदावन धाम हरे हरे राधा ना प्यारो सुंदर धन धन राधा प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरि वंश दुलारी जय वृंदावन धाम हर हर राधा प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरि वंश दुलारी जय वृंदावन श्री राधा
सद्गुरु चरणारविंदो जयते। अंतःकरण रूपी सरोवर में अज्ञानवश प्रमादवश विषय के चिंतन के फलस्वरूप जब प्रतिबिंब पड़ता है विषयों का तो अंधकार छा जाता है। आप स्थूल दृष्टि से कैसे दिखते हैं और चर्म चक्षुओं से क्या देखते हैं, ये दोनों ही बातें सत्य नहीं है। आप अभिधा कैसे दिखाई पड़ते हैं और आप इन चर्म चक्षुओं से क्या देखते हैं, ये दोनों ही बातें सत्य नहीं है। जब आप नेत्र बंद करते हैं तब आपको क्या दिखाई पड़ता है, तब क्या अनुभव में आता है, तब क्या दृष्टिपथ में आता है। जैसे शास्त्र कहता है साधु कौन है जिसका एकांत पवित्र है। मंदिर में, पूजा स्थान में, समूह में तो कोई भी प्रयास करके अपनी पवित्रता दर्शा देता है, पर वस्तुतः साधु कौन है जो एकांत में पवित्र चिंतन करता है, जो एकांत में पवित्र आचरण से रहता है। तो आप भी आंख बंद करके क्या देखते हैं, जब आप बंद कर लेते हैं ये नेत्र, भीतर आपको क्या दिखाई पड़ता है, क्या अनुभूति होती है, दृष्टिपथ में क्या आता है, वही वस्तुतः आपका और मेरा जीवन का स्तर है। आंख बंद करते हो अंधकार दिखाई पड़ता है तो अर्थात अभी आप अंधकार में ही अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। किंचित कोई प्रकाश की अनुभूति, किंचित किसी आनंद की अनुभूति है तभी आपका पथ ठीक है। और सहज होता क्या है कि विगत दीर्घ काल से संसार के विषय का दर्शन, चिंतन, मनन करते करते जो सोचोगे उसी का प्रतिबिंब हृदय रूपी दर्पण पे पड़ेगा और बिंब का प्रतिबिंब उकर कर आएगा। तो जब विषय का चिंतन होता है, विषय का स्मरण होता है, विषय की सेवन की जो आकांक्षा है वही हृदय का अंधकार है, वही मन मंदिर का अंधेरा है। दीप जलाया जाए सत्संग का, किंचित प्रकाश हो तो, और सतत सत्संग के प्रसाद स्वरूप भगवत मिलन की लालसा प्रबल हो, प्रभु से मिलने की इच्छा प्रबल हो, तो भगवान के विरह में, भगवान का विरह कैसा है, सूर्य जैसा है, उसमें प्रकाश भी है उसमें ताप भी है। जिस हृदय में विरह होता है वो हृदय उत्तप्त भी होता है लेकिन साथ साथ प्रकाशित भी होता है। जो भगवान के लिए रोता है उसे संसार का कोई दुख नहीं रुला सकता। जिसके हृदय में भगवत मिलन की इच्छा प्रकट हो गई है उसे संसार की कोई वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। मैंने पूर्व भी कई बार निवेदन किया कि संसार में जिसका मन रमा है, उसका मन भजन में, उसका मन सत्संग में रम जाए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संसार के रस से सत्संग का, भजन का रस कहीं अधिक श्रेयस्कर है, गरिष्ठ है, उत्कृष्ट है। लेकिन सत्संग में जिसका मन रमा है, सत्संग में जिसे सुखानुभूति हुई है, जिसने वस्तुतः सत्संग का रसास्वादन किया है, उसका कोटि प्रयास करने पर भी मन संसार में नहीं लगेगा। यदि ऐसा होता है, यदि आपका सत्संग में भी मन लगता है और आपका संसार में भी मन लगता है तो माने अर्थात अभी आपको सत्संग का आस्वादन नहीं हुआ। जैसे तुलसी बाबा कहते हैं, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नाही।
जो भगवान की कथा सुनते सुनते अघा जाए, जिसको तृप्ति हो जाए सत्संग से, जिसको लगे कि अरे अब तो बहुत सुन लिया, एक ही कथा क्या बार बार सुनना है। कभी विचार करना, जब से जन्म लिया है संसार में एक ही विषय का सेवन कितनी बार किया है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कभी उस विषय से उपरति नहीं होती। एक ही विषय का सेवन करते करते एक नहीं अनेक जीवन बीत जाते हैं, लेकिन कभी उस विषय से उपरति नहीं होती। विषय से नहीं होती उपरति, और कथा सुनते सुनते मन अघा जाए तो माने अभी आपके पग ठीक पथ पे नहीं पड़े। तो भगवत कृपा से, भगवान के अनुग्रह से जब जीवन में सत्संग सुलभ हो जाता है, संतों का संग सुलभ हो जाता है, और किंचित प्रतीति होती है जीव को आत्म स्वरूप की भी, भगवत स्वरूप की भी, और प्रभु के स्वरूप की विशेषता है, जैसे ही प्रभु के स्वरूप की प्रतीति होगी, जैसे ही प्रभु के स्वभाव की प्रतीति होगी, तैसे ही प्रभु में प्रीति भी हो जाएगी। उमा राम सुभाव जिन जाना, ताही तजत तिहि भाव न आना। तो फिर भगवान का विरह हृदय में उद्दीप्त होता है, और इस विरह रूपी सूर्य के उद्दीप्त होते ही समस्त विषयों का अंधकार लुप्त हो जाता है। जिसे भगवत मिलन की इच्छा मिल गई है उसे सब कुछ मिला है। देखो, इच्छा बहुत बड़ी शक्ति है। इच्छा आपसे कुछ भी कराती है, कुछ भी करा लेती है, और ये इच्छा रूपी ऊर्जा, इच्छा क्या है, ऊर्जा है, दिस एनर्जी। आप कहीं भी लगाइए इसे, जिस विषय में लगाएंगे उसी के अनुकूल ये परिणाम दे देगी। ऊर्जा से सृजन भी किया जाता है और उसी ऊर्जा से विध्वंस भी किया जाता है। उसी परमाणु ऊर्जा से एक पूरे देश को प्रकाशित किया जा सकता है, और उसी परमाणु ऊर्जा से एक देश का विध्वंस किया जा सकता है, उसे विनष्ट किया जा सकता है। तो ऐसी इच्छा भी क्या है, ऊर्जा है। संसार के विषय की इच्छा हुई तो वासना है, और प्रभु की इच्छा हुई तो भावना है। एथो पुटना तो एथे लाना। लेकिन ये जो ऊर्जा का रूपांतरण है, आठवीं नौवीं कक्षा में पढ़ाया जाता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, द चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल इसी इच्छा रूपी इस ऊर्जा का रूपांतरण है जो सत्संग रूपी पाठशाला में करना सिखाया जाता है, जो सत्संग रूपी प्रयोगशाला में करना सिखाया जाता है, कि किस प्रकार आपको इच्छा का दमन न करते हुए उस इच्छा का रूपांतरण करना है, संसार से हटाकर प्रभु की ओर कैसे सन्मुख हो। वही विरह संसार का हो, वही विरह संसार का हो तो भयंकर पीड़ा देने वाला है। संसार में किसी से मन लग गया हो, मन मिल गया हो, आसक्ति हो जाए संसार में यदि किसी व्यक्ति में, तो आज वो व्यक्ति यदि संसार के सब सुख फीके कर रहा है आपके, यदि आज उस व्यक्ति को पाकर आपको फिर कुछ और नहीं चाहिए, तो फिर तैयार रहिए कल जब वो व्यक्ति वियुक्त होगा तो उस भयंकर पीड़ा, उस भयंकर वेदना को दूर करने वाला भी कोई नहीं होगा। कटु सत्य है, जो आज आपके लिए सबसे बड़ा सुख है वही कल सबसे बड़ा दुख का कारण बनेगा। आज जिसने आपको आपको सब भुला दिया है, कल वही सबसे बड़ी पीड़ा लेकर आएगा, क्योंकि ये तो प्रकृति का अविचल सिद्धांत है। जो मिला है वो खोएगा, जो बना है वो मिटेगा, बनने के साथ ही मिटना तय हो जाता है, निश्चित हो जाता है। तो ये इच्छा है संसार की ओर जाती है तो पतन है, और सत्संग की कृपा हो जाए, किसी संत की कृपा हो जाए, सदगुरु अपनी कृपा से अपने बल से आपकी आपकी इस इच्छा की दिशा परिवर्तित कर दे, तो संसार में पतन स्वरूपिणी ये इच्छा इस मार्ग पर आकर भजन स्वरूपिणी हो जाती है। वहां है तो पतन है, यहां है तो भजन है। गोपी पर कृपा हुई है, गोपी की इच्छा कैसी हो गई है, गोपी की इच्छा श्री कृष्ण हो गए हैं, और जैसे ही इच्छा श्री कृष्ण हुए गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई, और श्री कृष्ण के विरह का ऐसा सूर्य गोपी के हृदय में उदीयमान हुआ कि जो रही सही
रही सही तम स्वरूपिणी जो भावनाएं थी, रही सही अंधकार स्वरूपिणी जो वासनाएं थी, उसे भी उस विरह रूपी सूर्य ने उदय होकर नष्ट कर दिया। अब गोपी तन मनस्का तदालापास तद विचेष्टा तदात्मिका। श्याम जिए श्याम हिए श्याम ही है प्राण पिए, श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन। अंतरहित हुए श्री कृष्ण, गोपी ने प्रेम से पुकारा, उसी पुकार में उसी भाव में अपना भाव हम मिलाएं, आज के भाव में प्रवेश करें। आइए दो क्षणों के लिए युगल नाम आश्रय कर लें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ग्रीष्मयात्मजाद वैद्युतानलात वर्ष मारुताद। किन किन भयों से आपने हमारी रक्षा की, किन किन आपदाओं से विपत्तियों से हमारा रक्षण आपने किया, अब इस प्रकार
इस प्रकार हमें प्रेम रस दान का वचन देकर आप हमसे मुख मोड़ते हैं, ये तो किसी भी भांति प्रीति की रीति के अनुकूल नहीं है, ये तो किसी भी भांति प्रेम धर्म के अनुकूल नहीं है। आपकी शरण में आई है। विरचिता भयम् वृष्णिधुर्यते चरण मीयुषा संस्रिते। आपके उन चरणों के शरण हमने ग्रहण किया नाथ, जिनके जिनकी शीतल शंतम छाया में आते ही वेद शास्त्र आपका उत्कर्ष करते हैं ये कहकर। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। आपके चरण कमल ऐसे हैं कि जिनकी शीतल छाया में आते ही जीव के त्रिविध ताप नष्ट हो जाते हैं, अनंत अनंत कालों का क्लेश समाप्त हो जाता है। कर सरोरुहम कांत कादम। और कल हम चर्चा कर रहे थे कि मन में जैसा भाव होगा आपकी स्तुति प्रार्थना में वैसे ही शब्द प्रकट होंगे, आपकी वाणी से वैसे ही संबोधन प्रस्फुटित होंगे जैसा आपके मन में भाव है। किस भाव से भगवत प्राप्ति, देखो एक वैधि भक्ति है शास्त्र जिसका वर्णन करता है, एक रागानुगा भक्ति है, संबंधानुगा भक्ति है जिसमें भगवान से कोई संबंध बनाया जाता है और फिर उस संबंध के अनुकूल उस संबंध के अनुरूप प्रभु का भजन किया जाता है, सेवन किया जाता है। क्योंकि भगवान गीता जी में अपने मुख से कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन ते। तो जिस भाव से आप भजन करेंगे प्रभु बिल्कुल उसी भाव से आपको उत्तर देंगे। तो एक संबंध बनाया जाता है भगवान से, तो गोपी का जैसा संबंध है गोपी बिल्कुल उसी संबंध के अनुरूप श्री कृष्ण को संबोधित करती है। मोक्ष की इच्छा लेकर कोई भगवान के पास जाएगा तो वो भगवान को मुकुंद कहेगा, धन की वैभव की ऐश्वर्य की इच्छा लेकर कोई जाएगा तो जगन्नाथ कहेगा। जैसे जब पृथ्वी त्रस्त हो गई और सब देवताओं के संग भगवान की स्तुति में सब देवताओं के संग गई पृथ्वी कि प्रभु आप आइए और मेरे भार का मेरी पीड़ा का मेरे दुख का हरण करिए, तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की तो भगवान को जगन्नाथ कहा। तो देवता तो बड़े चतुर है ना, बोले जगन्नाथ क्यों कहते हैं आप जगन्नाथ कहेंगे तो जगत में तो असुर भी आते हैं, फिर भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे उनकी भी रक्षा करेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान को देव देव कहकर संबोधित किया। प्रार्थना सुष्ठु होनी चाहिए, प्रार्थना ही आपके आपके भाव का दर्पण है। कैसे शब्द आप भगवान के लिए निवेदन करते हैं। प्रथम दिन भी मैंने निवेदन किया था, इस विश्व में सबसे बड़ी जो सत्ता है सबसे बड़ा जो बल है वो शब्द का बल है, शब्द की ऊर्जा है, शब्द की चेतना है। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, और भाव के अनुरूप ही शब्दावली हो, भाव के अनुरूप ही प्रभु को दिए जाने वाला संबोधन हो तो प्रिय लगता है, रुचिकर है, प्रभु को भी सुखदाई है। तो गोपी ने यहां प्रभु को कांत कहकर संबोधन दिया है। कांत माने कम सुख और अंत माने जो सुख का अंत कर दे। अब आप बड़ा विचार करोगे ये कैसे भगवान हुए सुख का अंत कर दे,
सुख का अंत माने जहां सुख की सीमा है। श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? सूरदास जी कहते हैं, देखो माई सुंदरता को सागर। हितरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, देखो माई सुंदरता की सीमा। सीमा माने अंतिम रेखा, जिससे आगे कुछ नहीं है। श्री कृष्ण अर्थात सुख की चरम परिणति, जिससे आगे कोई और सुख नहीं है, जिससे श्रेष्ठ कोई और आनंद नहीं है, जिससे उत्कृष्ट और कोई उपलब्धि नहीं है, ऐसे श्री कृष्ण। तो गोपी कहती है, आप कांत हैं, आप तो सुख की सीमा है, आपसे श्रेष्ठ और कोई सुख नहीं है। कर सरोरुहं कांत कामदं शिरसि धेहिना शीकर। आपका वो समस्त प्रकार की कामनाओं को नाश कर देने वाला, पूर्ण काम कर देने वाला वो स्पर्श, आपका वो कर कमल, कामदेव के 5 बाण हैं, मोहन मारण मादन उच्चाटन स्तंभन, ये कामदेव के 5 बाण हैं। तो गोपी कहती है, हे प्यारे, ये जो आपके कर कमल की 5 उंगलियां हैं, 5 करांगुलियां हैं, और इन करांगुलियों के अग्रभाग में जो ये 5 नख चंद्र चंद्रिकाएं हैं, ये कामदेव के 5 बाणों का उत्तर हैं। काम सता रहा है हमें, अभिमान सता रहा है हमें, आप हमारे मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराएंगे, आप हमारे सिर पर अपना हाथ रखेंगे, हमारे अभिमान रूपी ज्वर का नाश हो जाएगा। और फिर ये जो आपकी 5 करांगुलियां और इनसे छिटकती हुई ये जो नख चंद्र चंद्रिका है, ये काम के 5 बाणों को भी निस्तेज कर देगी। इसीलिए हे प्यारे, हमारे हमारे मस्तक पर अपना श्री कर कमल पधराइए, जिससे आपने लक्ष्मी का पाणी ग्रहण किया था। तो भगवान ने कहा, अच्छा, सन्मुख भी हो जाएं, तुमने पहले पहले कहा दैत दृश्यताम दिक्षुतावका स्तवई धृतासवस्त्वाम विचिन्वते, तुम्हारे सन्मुख हो जाएं, और फिर तुम्हारे सन्मुख होकर तुम्हारे मस्तक पर अपना कर कमल पधरा दें, तो ठीक है, जमुना जी की ओर मुख करके बैठ जाओ, हम आएंगे, सबके मस्तक पर हाथ रखेंगे और चले जाएंगे। तो गोपी ने कहा कि अब तो ये बात सुनने भी लगे हैं और सुनकर उत्तर भी देने लगे हैं, तो बात थोड़ी और आगे बढ़ानी चाहिए। ब्रज जनार्ति हन वीर योषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भव किं करी स्मनो जल रोहा थी। नहीं, इतने से हमें संतोष नहीं होगा, आप आ जाएं, हमारे मस्तक पर अपना करकमल पधरा दें, हम इस ताप शाप से मुक्त हो जाएं, फिर तो हम स्वार्थी हैं, केवल अपने सुख के लिए आपका भजन करती हैं, हम किसी स्वार्थ से आपका भजन नहीं करती। प्यारे, हमारे मन को तो तोष कब है? देखो, ज्ञानी केवल अनुभूति में संतुष्ट हो जाता है, ज्ञानी को एक अनुभूति होती है, तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि, ये अनुभूति ही ज्ञानी की उपलब्धि है, उसे इसी अनुभूति में सुख है, संतोष है, वो सर्वत्र भगवत रूप का, सर्वत्र भगवत सत्ता का अनुभव करता है और आनंदित रहता है। फिर भक्त है वो भगवान का दर्शन करना चाहता है, भगवान की स्तुति करता है, भगवान की सेवा पाना चाहता है, भगवान के श्री चरणों का दास्य चाहता है, इसी आशा के उल्लास में भक्त अपना अनंत काल व्यतीत करता है। लेकिन एक प्रेमी है, और श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, प्रेमी अनन्य भजन न हुई जो अंतर्यामी भजे मन में। प्रेमी को केवल प्रेमी की बात करने से संतोष नहीं होता, उसे सुख तो मिलता है, लेकिन उसे केवल बात करने से सुख नहीं मिलता, प्रेमी ही तो है जो उस निराकार को साकार होने पर विवश कर देता है।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। प्रेम प्रकट करने पर विवश कर देता है, बाध्य कर देता है, उस सर्वतंत्र स्वतंत्र को बांध लेता है। प्रेम की डोरी से यशोदा मैया बांध लेती है कन्हैया को, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को एक उखल से बांध देती है। और जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, और मां यशोदा के भय से उनको अश्रु बिंदु दृग ढरते देखा, ये प्रेम का वैभव है। तो प्रेमी अपने प्रेमास्पद को साकार चाहता है, अपने अपने सन्मुख प्रत्यक्ष प्रेम होता। प्रेम की निविड़ अनुभूति भी प्रेमास्पद के प्रत्यक्ष होने पर होती है। तो गोपी कह रही है, प्रभु इतने से हमारा कार्य नहीं होगा। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोर मुकुट वारे घुंघरारी लट बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे हो बलि जाऊं रमैया तो रमैया तो रे, कब ये नैन तोहे देखे, ये जन्म तुम्हारे तो हे ब्रज जनार्तिहन। अब गोपी कहती है कि हम ये भी जानती हैं कि हम ब्रजवासियों के प्रति आप थोड़े पक्षपाती हैं, ऐसे तो सब आपके प्रिय हैं, सब आपके ही निपजाए जीव हैं, पर हम ब्रजवासियों के प्रति आपका थोड़ा पक्षपात है और वो स्वाभाविक है। श्री ठाकुर जी अपने मुख से कहते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनक न बिसारी हूं मोहिनंद बाबा की आन। इसलिए धाम की महिमा सर्वोपरि है। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, वृंदावन की रेणु में मरिबहु मंगल, वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं हो, रज तो उड़ला गए तन ही पीवे जमुना। तो जिस धोबी ने जनक नंदिनी की निंदा की, उस धोबी का जब देह छूटा तो नरक ने भी उसे देखकर अपना द्वार बंद कर लिया। माने उस धोबी का ऐसा अपराध कि नरक ने भी उसे अपने यहां स्थान देना उचित नहीं समझा, वो अवधवासी धोबी। और जब प्रभु ने सुना कि उसकी ऐसी दुर्गति हो रही है, वो बेचारा यत्र तत्र भटक रहा है, नरक भी उसे स्थान देने को तैयार नहीं है, तो करुणा निधान प्रभु ने उस धोबी के लिए एक विशोक नामक अलग वैकुंठ की रचना कर दी कि ये जैसा भी है लेकिन मेरे धाम का रहने वाला है, ये अवधवासी है, मुझे प्राणाधिक प्रिय है। और प्रभु का ये सहज पक्षपात धाम की ओर देख कर ही संतों ने मांगा है, जन्म जन्म मुहे दीजियो श्री वृंदावन को। अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजे यही ब्रजवसी वो, अहीर की जात समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हसी वो। रस खान कहते हैं, मानुष हो तो वही रस खान, बसो नित गोकुल गाव
प्रभु के ग्वार। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारा। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धार। जो खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी खूल कदम की डाल। और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही। वृंदावन रज दीजे स्वामिनी, विनय मान लीजे लीजे। बिल्कुल गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए रसिकों ने यह जान लिया कि काहू केवल भजन को और काहू को आचार, पे व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पांव पसार। रसिकों ने वृंदावन का आश्रय लिया और वह सदा सदा के लिए निश्चिंत हो गए। धाम का प्रभाव है, धाम की महिमा है कि जिही वन की ध्रुव रेणु में मरिवो मंगल आए, जहां मृत्यु भी उत्सव हो जाता है। आपको देखने को मिल जाएगा, अनुभव कर लेना कि जीवन भर वृंदावन का वास होता है और संसार को वृंदावन के वास का उपदेश होता है, लेकिन अंत समय वृंदावन में विश्राम नहीं मिलता। अंत समय प्राण वृंदावन से कहीं अन्यत्र जाकर छूटते हैं। इसीलिए रसिक लोग सावधान करते हैं कि खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, फिर वृंदावन मत छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। क्योंकि ब्रजवासियों के प्रति श्री ठाकुर जी का एक सहज पक्षपात है, धाम से बाहर तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। आपने जैसा किया है आपको वैसा का वैसा फल मिल जाएगा, प्रकृति का यह विधान है। लेकिन धाम में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रिज को सिरताज। अपना अपना स्वभाव होता है, ठाकुर जी का अपना स्वभाव है, हमारी किशोरी जी का अपना स्वभाव है। वो तो सहज स्वभाव परयो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। औगुण करे समुद्र सम पे गिनत ना अपनो जान, और राई के सम भजन को मानत मेरु समान। आचार्यों ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि देखो, जीव भगवान का स्मरण करता है तो उसके त्रिताप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर को क्लेशों से बंधनों से छूट कर भगवत चरणों की सन्निधि पा लेता है जीव, भगवान का स्मरण करे। और भगवान जीव का स्मरण करें तो क्या उपलब्धि होगी? आप श्री ठाकुर जी को मंदिर में एक पोशाक निवेदन करते हो, और संत लोग कहते हैं जिस जिस दिन ठाकुर जी पोशाक धारण करते हैं उस दिन आपका स्मरण होता है उन्हें। उस दिन ठाकुर जी आपको याद करते हैं कि अमुक सखी की दी हुई पोशाक है। श्री ठाकुर जी स्मरण करते हैं, सेवा का ऐसा 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 बल है, सेवा का ऐसा प्रताप है, राई के सम भजन को और मानत मेरु समान। ये धाम की महिमा है। इसलिए व्यास जी कहते हैं, जाकी है उपासना ताही की वासना, और ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए, और वृंदावन तज अनत न जाइए। आप देखिए वृंदावन से मथुरा कितनी दूर है। श्री ठाकुर जी गए, गोपी प्रेम में रोती रही बिलखती रही, पल पल मृत्यु तुल्य कष्ट को आलिंगन देती रही, लेकिन कभी वृंदावन की सीमा का अतिक्रमण नहीं किया, धाम का परित्याग नहीं किया, प्रीतम के निज धाम का गोपी त्याग नहीं करती, गोपी उस प्रीतम की खींची हुई प्रेम की सीमा का उल्लंघन नहीं करती। मैंने दूसरे दिन भी निवेदन किया था, प्रेम अगाध है अनंत है, लेकिन अपनी सीमा में रहता है तभी शोभा पाता है। गोपी रोती बिलखती पहुंच जाती मथुरा के महलों में, तो आज गोपियों का यह विरह
तीनों लोकों में प्रशस्ति नहीं पाता, गोपियों का ये प्रेम तीनों लोकों में उत्कर्ष नहीं पाता। इसलिए संतों ने निचोड़ निकाला है, ये सार की बात है। रसिकों ने अपनी सारी भावनाएं समेटकर यहां रख दी हैं। लाडली सेवा में लीजो किशोरी वृंदावन दीजो, प्यारे आप ब्रज जनार्थी हन हैं, हम ब्रजवासियों के प्रति आपका पक्षपात, आपका विशेष प्रेम